नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एचपी में। दादा, आज मैं आपके लिए ऐसी जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जिसमें आपका कभी ना कभी जॉब करने का ज़रूर सपना रहा होगा। ये है दोस्तों जॉब इंटेलिजेंस ब्यूरो में, यानी कि खुफिया विभाग में, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तथा ये जो पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों, ये हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की, जिसका जो टोटल पोस्ट हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो हैं 2000, जिसमें से कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व की 989, EWS की 113, OVC की 417 तथा SC की 360, ST की 121 तथा इसके नीचे ही आप दे सकते हैं पे स्केल इस जॉब का बहुत ही अच्छा है। 44,900 से लेके 1,42,400 तक का आपको इसको पे आपका इसमें पे स्केल मिलेगा तथा इसमें आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेंस अलग से मिलेंगे तथा इसमें आपको 13 मंथ्स की सैलरी दी जाती है दोस्तों। ये बात भी आप इसमें ध्यान इंक्लूड कर लें। इसमें जो मेन फैक्टर हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम को फिल करने के, वो पहले हैं एज लिमिट। इसमें दोस्तों आपकी 18 से 27 साल की होनी चाहिए तथा जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तथा दोस्तों इसमें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों, वो है आपकी BSc ग्रेजुएशन, BA, BCom, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। तथा इसमें जो दोस्तों आपकी फ़ीस रहेगी इस एग्ज़ाम को भरने की, वो रहेगी जनरल OVC की 600 रुपये तथा बाकी SC ST की रहेगी 500 रुपये। तथा दोस्तों नौ जो इसकी लास्ट डेट है वो है 9/1/2021। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो 9/1/2021 से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर दें तथा आप तैयार फिर फुल तैयारी करें इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, क्योंकि ये एक ड्रीम जॉब है। आपको ये पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों वो 3 चरणों में होगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो पहला होगा आपका TR1, TR2 एंड इसके बाद जो होगा वो होगा इंटरव्यू। जो TR1 का सिलेबस है दोस्तों, वो इस तरह से दिया गया है जिसमें कि जो TR1 का सिलेबस है ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें कि सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, सी न्यूमेरिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड डी जो है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड जो 5वां है वो है जनरल स्टडीज़। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ज़रूर होगी। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 1/4 आपके मार्क जो हैं वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तथा जो इसमें TR2 है दोस्तों, ये रहेगा आपका 50 मार्क का, जिसमें कि आपको 30 नंबर का एसे लिखना होगा तथा एक होगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसिस राइटिंग। तथा TR3 रहेगा दोस्तों इंटरव्यू। दोस्तों जल्दी से एग्ज़ाम को आप फिल कर लें तथा इसमें जो आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस रहती है दोस्तों, ये 8 से 10 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें जो एग्ज़ाम की प्रोसेस रहती है बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से होती है, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल करें। तथा मैं हिमाचल प्रदेश के बच्चों को बताना चाहूँगा जो कि इस एग्ज़ाम को भरेंगे, उनको बताना चाहूँगा कि इसके जो सेंटर रहेगा TR1 का वो रहेगा हमीरपुर और शिमला। यदि आप इस एग्ज़ाम को भरते हैं तो आपको हमीरपुर या शिमला में आकर इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़रूर भरें आप इस एग्ज़ाम को, क्योंकि ये है दोस्तों जॉब इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आप एक इसमें ऐसे ऑफिसर होंगे जो कि अंडर कवर रह के अपने मिशंस को पूरा करेंगे। ये एक तरह की ड्रीम जॉब ही है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर फिल करें तथा वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि
जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उनको इसके बारे में पता चले, तथा हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी नई नई जॉब्स आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे, स्टडी HP पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले जो हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, स्टडी HP से जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओनली ऑन स्टडी HP पे ही मिलेगी।